Assalamualaikum guys and welcome to another travel vlog. I hope you guys are fine and you're great in your life. तो दुनिया व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिलकट। ये कगान वैली का एक छोटा सा शहर है और लोलोसर से ये थोड़ा सा पीछे है। लोलोसर झील यहाँ पे नारा कगान वैली की सबसे बड़ी झील है। आज हमारा अचानक प्लान बना था कि जी नारायण कगान को विजिट किया जाएगा। पहले तो हम कई बार आ चुके हैं लेकिन आज हम आए हैं दोबारा क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स जो हैं ऑफिस के, मेरे जो कलीग हैं कुछ ऑफिस के, वो मेरे साथ आए हैं। यहाँ के आपको थोड़े से कुछ व्यू दिखाते हैं, बाकी डिटेल आगे जाके बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ क्लिक्स वगैरह लेते हैं। जी गाइस, आपको बताता चलूँ कि हम आज अपना सफ़र बालाकोट से स्टार्ट करेंगे। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जी इस्लामाबाद से बालाकोट का सफ़र हमने एक दिन पहले ही रात को तय कर लिया था बरास्ता मोटरवे। मोटरवे से हम आए थे डायरेक्ट मानसेरा और मानसेरा से हमने बालाकोट आके रात को स्टे किया था। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि जी सुबह सुबह 6 बजे अपना सफ़र आगे नारायण की तरफ स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमें ट्रैफिक कम से कम मिले और हम इन खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर सकें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद हमने आबशार व्यू पॉइंट पे नाश्ता करने के लिए गाड़ी रोकी ताकि हम नाश्ते के साथ साथ खूबसूरत मनाजिर से भी लुत्फ़ानंदोज हो सके। वैसे तो हमारा प्लान झील सैफुल मुल्लुक जाने का था पर नारायण पहुंचने पर हमें पता चला कि सैफुल मुल्लुक का रास्ता जो है वो ग्लेशियर की वजह से थोड़ा जैम है और झील पर पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने फ़ैसला किया कि सैफुल मुल्लुक को स्किप करके हम लोलोसर झील जाएँगे। इस वक्त हम आए लोलोसर झील और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। इस झील की डेप्थ अभी तक किसी ने मेजर नहीं की और यहाँ से दरियाए जो कुनहार है वो शुरू होता है। दरियाए कुनहार जो शुरू होता है वो गिरता है दरियाए नीलम में और फिर वो दरियाए नीलम आगे जाके झेलम के साथ मर्ज हो जाता है। और इसी तरह आपको बताते चले कि जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मौसम है, क्लाउड से काफ़ी पैचेस हैं और इसके अलावा टॉप ऑफ दी हिल्स पर जो है काफ़ी स्नो भी है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं मुख्तलिफ एरिया से पाकिस्तान के आए हुए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी स्कूल्स में छुट्टियाँ हैं, पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो लोग तो ट्रैवलिंग करने के लिए और मौसम को इन्जॉय करने के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ पे इसी पर्पज़ के लिए आए हैं तो कुछ व्यूज़ आपके लिए और फिर इसके बाद हम आगे जाएँगे। बाबूसर टॉप में भी जाएँ ना जाएँ इसका भी कन्फर्म नहीं है तो
पहले आपको व्यूज दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्लान बताएंगे। अभी हमने तिवाई जो है वो शाम का खाना खाया है और अब हम निकलेंगे वापस अपने इस्लामाबाद के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम वहाँ से निकले लोलोसर से निकल के हम गए सीधा लालाजार। हमने जाना था लालाजार, हम नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम लालाजार नहीं चल सके। हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि जी लालाजार जाना जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो स्लिपरी होती है वो जगह। तो हम लालाजार थोड़ा सा ऊपर गए, बारिश तेज़ होगी तो हम वापस आ गए। तो अभी इस व्लॉग और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग में अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।